भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको ऋषि पंचमी की ज्ञानमयी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, अपने चिर परिचितों को, इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग ऋषि पंचमी की इस दिव्य कथा को श्रवण करके अपने जीवन को पावन बना सके और पुण्य को प्राप्त कर सके और शेयर करके आपको भी महान पुण्यफल प्राप्त हो सके। ऋषि पंचमी की जो व्रत कथा आती है वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक समय राजा शीतास्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवा करके बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूं, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूं। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों को सहज ही जो है छुटकारा प्राप्त कर लेता है, यानी समस्त पापों से वह छूट जाता है। वह उत्तम कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। जो ऋषि पंचमी का व्रत है उसको सभी महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में आती है उनको ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से उनके द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है, गलती से वो घर का सामान छू लेती है, बिस्तरों को छू लेती है, पानी को छू लेती है, पूजन सामग्री को छू लेती है, भोजन की सामग्री को छू लेती है, या भोजन बना लेती है, या गलती से घर के कोई भी काम को कर लेती है, उन सभी पापों से प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत सभी महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी की जो पौराणिक कथा है उसमें लिखा हुआ है कि विदर्भ देश में उत्तम्प नामक एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर एक कुटिया बना करके उसमें निवास करने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसके सारे शरीर में कीड़े ही कीड़े पड़ गए। कन्या ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति किस कारण से हुई है? आखिर इसने क्या अपराध किया है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगा करके बताया कि पूर्व जन्म में भी यह एक ब्राह्मण की कन्या थी। इसने रजस्वला होते हुए, यानी मासिक धर्म पीरियड में आते ही, सभी घर के बर्तनों को छुआ था, भोजन की सामग्री को स्पर्श किया था। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है।
वह चौथे दिन स्नान करके पवित्र और शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख और संकट समाप्त हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। अपने पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का जो है भोग उसे प्राप्त हुआ। ऋषि पंचमी सभी वर्ग की स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि करके घर के स्वच्छ स्थान पर कुमकुम रोली आदि से चौकोर मंडल बना करके उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करके उनसे प्रार्थना करें। कश्यपोर अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रो तगोतमः जमादग्निर्वसिष्ठश्च सप्तेते ऋषयः स्मृतः दयन्तु पापं सर्व ग्रन्वन्तर्य नमो नमः। इस प्रकार सप्त ऋषियों को अर्घ प्रदान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात बिना बोए पृथ्वी में पैदा हुए शाकादिकों का आहार करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की पीत वर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण भोजन करा के उनका विसर्जन करें और इस व्रत का उद्यापन करें। सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करके ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके माध्यम से उद्यापन की विधि संपन्न कराएं। ब्राह्मण को वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान, स्वर्ण दान। किसी किसी स्थानों पर स्त्रियां पंचताड़ी तरण एवं भाई के द्वारा देवे चावल कोए आदि को देकर फिर स्वयं भोजन करती है। ऋषि पंचमी की एक और कथा आती है, उसमें बताया है कि सतयुग में विदर्भ नगरी में स्नेजित नामक एक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। वह अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के यानी कृषि के कार्यों में लगी हुई थी तब वह रजस्वला हो गई। रजस्वला मतलब मासिक धर्म या पीरियड अवस्था में आ गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के सभी कामों को करती रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री अगले जन्म में कुतिया बनी और उसका पति सुमित्र जो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि को प्राप्त हुआ। क्योंकि रजस्वला यानी मासिक धर्म के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहां रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए और सभी प्रकार से तैयारी की। ब्राह्मणों को आमंत्रण भी उसने भिजवा दिया। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया यानी खीर को झूठी कर दी। उसने विचार किया कि यदि यह खीर ब्राह्मण देवता खा लेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा विचार करके उसने खीर को झूठा कर दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से उस कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं रह गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल करके उस कुतिया को इतना मारा कि बेचारी कुतिया मार खा खा करके इधर उधर भागने लगी। चौके में रसोई घर में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान बाहर फिकवा करके बर्तन साफ करके दोबारा भोजन तैयार करवाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे
अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूं। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज भोजन खाने को देता है, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला है। एक सर्प के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से मैंने छू करके उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया है। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूं, और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा, मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया है और मुझे मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध का निष्फल कर दिया है, यानी हमारे लिए जो उसने श्राद्ध किया है वो सारा का सारा निष्फल हो गया है। दोनों की बातों को छुप करके उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह जंगल में चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किस कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से इनके दुखों से इनको छुटकारा मिलेगा। तब सर्वतमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी के सहित विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका संपूर्ण फल अपने माता पिता को प्रदान कर देना। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्यान्ह में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए रेशमी कपड़े पहन करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर के सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से उसने व्रत तथा पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए इस व्रत को जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग करके वैकुंठ को प्राप्त करती है। यदि चाहे तो जोड़े सहित पति पत्नी दोनों मिलकर भी ऋषि पंचमी का व्रत कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री राम चंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गो माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप ऋषि पंचमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, सप्त ऋषियों के निमित्त अन्नदान वस्त्रदान गौदान करना चाहते हैं, या फिर ऋषि पंचमी का उद्यापन हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे एवं इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके ऋषि पंचमी महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।